तो फ्रेंड्स मैंने कटिंग करवा ली है और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे, तो छाता लेके मुझे चलना पड़ रहा है। तो अभी मैं घर पहुँच जाऊँगा 2 मिनट में, और घर पहुँच के वहाँ से देखता हूँ फिर खाना वाना खा के शायद आज अंधेरी जाऊँगा। तो हेलो गाइज, अभी रेडी हो चुका हूँ मैं और अभी मैं जाऊँगा अंधेरी, और अभी बारिश भी रुकी हुई है तो जाते हैं दिखाते हैं आगे। तो फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ कांदिवली स्टेशन, वहाँ से मैं ट्रेन पकड़ के जाऊँगा मरीन लाइंस, क्योंकि यहाँ जुहू बीच भी बंद है और कल अक्सा हम गए थे वो भी बंद था, तो वहाँ जाके तो मतलब है नहीं, इसलिए मैं मरीन ड्राइव जा रहा हूँ और कांदिवली स्टेशन से ट्रेन पकड़ूँगा। तो जाता हूँ आगे दिखाता हूँ क्या है। सिग्नल ओपन हो गया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा फादर कहाँ पे जाऊँ। फास्ट किस पे आएगी?
फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं मरीन लाइंस और ये है मरीन ड्राइव। इस साइड हम जा रहे हैं और अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ मैं पूरा। ये मरीन ड्राइव के इधर में थोड़ा मैदान है और इस साइड भी एक मैदान है जो क्रिकेट के लिए यूज होता है और यहाँ पानी भरा हुआ है। शायद मरीन ड्राइव बंद है। तो यहाँ पे तो पानी भरा हुआ है, इस पानी के अंदर से ही जाना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं, जाएंगे। फ्रेंड्स, इधर शायद कोई रोड का काम चालू है मरीन ड्राइव पे, तो पूरा ये कवर है। तो देखो इस पर लिखा हुआ है रोड प्रोजेक्ट, तो थोड़ा आगे जाएंगे तो शायद ओपन है, तो वहीं से मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इधर रोड का काम चालू है इसलिए पूरा ये ब्लॉक लगाया हुआ है और आगे शायद ओपन है, तो आगे चल के देखते हैं। आगे मैं दिखाता हूँ आगे का व्यू आपको। ज़्यादा बारिश है यहाँ पे, अभी भी बारिश हो रही है। जब हम अपनी शर्ट पर घूमने के लिए, ये उधर में नरीमन पॉइंट पड़ता है, ये अपना ओबरॉय होटल है और वो जो बड़ा वाला बिल्डिंग दिख रहा है वो ट्राइडेंट होटल है। काफ़ी सारे लोग आए हैं, बाकी मैं आपको वीडियो में दिखाता रहूँगा मैं कैमरा करके। मरीन ड्राइव, ये देखो रात के टाइम में कितनी लाइटें अच्छी लगती हैं। पहले मैं मरीन लाइंस ईस्ट में ही रहता था, 16 में रहा मैं और 17 में रहा, 18 में रहा, उसके बाद में चला गया अंधेरी। और देखो ये लाइटों में कितना अच्छा लग रहा है। तभी मैं जब मैं इधर रहता था तो छोड़ने का दिल नहीं करता था। ये वेस्ट में पड़ता है मरीन ड्राइव और मरीन लाइंस ईस्ट है, जो कि थोड़ा इतना उधर थोड़ा सस्ते में रूम मिलता है। ये मरीन ड्राइव जो है ये वेस्ट में पड़ता है और मरीन लाइंस ईस्ट है, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, वो थोड़ा सस्ता एरिया है यहाँ से। तो उसी साइड में रहता था पीजी में जब मैं मुंबई में आया था, तब की बात है, स्ट्रगल टाइम की बात। अब भी स्ट्रगल ही चल रही है लेकिन वो शुरुआत की बात है। और यहीं से रास्ता, यहीं पर पास में ही मरीन लाइंस स्टेशन है और आगे जाएंगे तो मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, आगे चर्च गेट आ जाएगा। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, चर्च गेट ही जा रहा हूँ। यहाँ से ये चर्च गेट आएगा आगे, लेकिन क्यों नहीं दिखा।
भी आपको लेके चलता हूँ फैशन स्ट्रीट। ये मरीन लाइंस में ही एक कपड़ों का मार्केट है, सस्ता मार्केट है, काफ़ी अच्छा मिल जाता है वहाँ पे। अगर सस्ते में कपड़े लेने हो, अच्छे तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ ठीक है, नॉर्मल से अच्छे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी लंबा मार्केट है, काफ़ी है, तकरीबन 70-80 दुकानें हैं लगातार, आई थिंक 100 होगी वहाँ। हर सामान सस्ते में मिल जाता है, कोई भी बैग लेना हो या छोटे मोटे सामान लेने हो तो सब सस्ते में मिल जाते हैं। और ये पड़ता है कुछ मरीन लाइंस में, बॉम्बे हॉस्पिटल के पास में, फैशन स्ट्रीट बोलते हैं शॉर्टकट में उसको, FS बोलते हैं शॉर्ट में। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, अभी मैं टैक्सी पकड़ूँगा और फिर जाता हूँ और जाके वहाँ दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स अभी ये टैक्सी वाला है, इससे पूछते हैं, देखते हैं। भाई फैशन स्ट्रीट चलोगे? ठीक है, हमने टैक्सी कर ली है तो जाता हूँ। तो गाइस ये है फैशन स्ट्रीट और तकरीबन यहाँ से ये चर्च गेट में स्टार्ट होता है और मरीन लाइंस में ख़त्म होता है आगे। तो ये सब दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं लेकिन यहाँ सब सामान मिलता है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, पूरा अच्छे से दिख पाएगा। गाइस यहाँ पे शूज वगैरह सब कुछ मिलता है, मतलब छोटा बड़ा सब, फर्स्ट कॉपी भी यहाँ पे मिलता है, फर्स्ट नहीं तो सेकंड थर्ड कॉपी तो यहाँ पे मिलता ही मिलता है। ये देखिए यहाँ पे ये बैग है, ये काफ़ी आपको सस्ते मिल जाएंगे, 200-300 में आपको मिल जाएगा यहाँ पे बैग, ज़्यादा चलेगा नहीं। परफ्यूम भी आपको अच्छे रेट में मिल जाएंगे, 100-150-200। और नहीं बाबू वो सब हम बोले सर्च से कर लो। सेट लेना है, बोलो ब्रो, एयर स्ट्रेटनर ड्रायर क्रिम्पिंग जिगजैग कर लो। अंडे का फोन आया था, वन पीस वैसे ओवल जो है ना चलते चलते स्लो हो जाता है, बोले एकदम फास्ट आ जाओ। आई सर टी शर्ट दिखाओ फ्रेंड, कितने का दिया?
आप लोग यहाँ कोई भी नहीं है, मैं कोई भी नहीं नहीं तो गाइज ये पूरा मार्केट जो है ये फैशन स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, और इधर कोई भी आओ कपड़ा लेने के लिए आओ तो ये लोग बहुत ज़्यादा रेट बोलते हैं। ये लोग 1200 बोले तो वो चीज़ 250 रुपये की होती है। ये इसलिए इतना बोलते हैं क्योंकि कोई बाहर से आया है तो वो इनको दे देता है गलती। 1200 में कितना कम करवा लेगा जब, और इतनी मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की कपड़े या कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन हाँ, लोकल मार्केट में जो सामान मिलता है वो इधर सस्ते में मिल जाता है। तो कभी भी अगर कोई आता है, आप आओ तो अलर्ट रहिए। इसके सामने ही पड़ता है आज़ाद मैदान। आज़ाद मैदान को क्रॉस करेंगे तो CST आ जाएगा, तो अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइज, इधर से अगर हम जा रहे हैं तो यहीं से ये सामने जो है आज़ाद मैदान है। ये अभी आज़ाद मैदान में हम एंट्री कर रहे हैं। ये स्टार्ट हो जाता है आज़ाद मैदान। ये देखिए, पूरा आज़ाद मैदान है, लेकिन इसमें पानी भरा हुआ है बारिश की वजह से। वो शायद कोई जिम खाना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो मेरे जो पीछे है ये है CST, और अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ और वहीं पहुँच के दिखाता हूँ मैं आपको। इस पे CST के अंदर हर दिन कोई अलग अलग कलर में लाइटें जलती है, और डे के हिसाब से उनका है। जैसे आज कुछ पिंक कलर की जली हुई है, देखिए। फ्रेंड्स ये है, ये देखो, ये CST है पूरा। ये देखिए, ये रानी विक्टोरिया का महल था, जो कि आज के टाइम में CST रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से। ये देखिए, इसके नीचे जो है वो अंडरग्राउंड है, मतलब तो वहाँ पे भी कुछ दुकानें हैं जहाँ अच्छा सामान मिल जाता है, मतलब रेगुलर जो चाहिए। ये देखिए, और हर दिन यहाँ पे अलग अलग कलर में लाइटें जलती हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है।
फ्रेंड्स अभी मैं एक रेस्टोरेंट में आके बैठा हूँ, छोटा ही रेस्टोरेंट है जो कि सीएसटी के एकदम सामने है, जहाँ पे मैं तकरीबन 3-4 साल पहले बैठा था कभी, और अभी आज तकरीबन 4-5 साल बाद इधर मैं बैठा हूँ। पहले मैं यहाँ पे चाय और पोहा खाता था, तो अभी मैंने चाय ऑर्डर की है, चाय पी के यहाँ से निकलते हैं। तो फ्रेंड्स ये आ चुकी है हमारी चाय, 4 साल बाद मैं चाय पी रहा हूँ। फ्रेंड्स मैंने अभी चाय पी ली है तो मैं निकला हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ क्राफ्ट मार्केट और जाऊँ जो कि यहाँ से कुछ 5 मिनट की दूरी पे है, तो देखता हूँ टैक्सी पकड़ता हूँ, अगर जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ क्राफ्ट मार्केट। जीटी हॉस्पिटल इधर है, इधर नहीं अपने यही इधर ही आ गया ना। हाँ जीटी इधर है सामने, हो गया आ गया ना। हाँ मार्केट आ गया। तो फ्रेंड्स हम आ चुके क्राफ्ट मार्केट और यहाँ पे सब कुछ सस्ता मिलता है, मुंबई में लोकल दुकानों पे माल सप्लाई यहीं से होता है, जो जितने भी दुकानदार है शॉपकीपर है वो यहीं से आके सामान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सस्ता मिल जाता है। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी, देखिए आगे यहाँ पे आ चुकी है बारिश, और बारिश में मतलब टाइम भी ज़्यादा हो गया था तो उस वजह से दुकानें भी बंद हो चुकी है और ऊपर से बारिश आ चुकी है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर काफ़ी बारिश है भीग जाएंगे और दुकानें भी बंद हो चुकी है, तो फिर कभी आऊँगा तो आपको मैं दिखाऊँगा यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे बारिश 1 मिनट में रुकती है 1 मिनट में आती है, इसलिए मैं क्राफ्ट मार्केट से निकल गया क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी और यहाँ तक आते आते वो रुक गई क्योंकि टैक्सी भी नहीं मिला मेरे को, स्टेशन के लिए टैक्सी यहाँ से जल्दी मिलता नहीं है। और ये पीछे एक सिनेमा है मेट्रो आइनॉक्स, तो मैं सोचा यहीं पर वीडियो बनाता हूँ, और तो फिर ये व्लॉग यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, चलते हैं और इसको घर जाके मैं अपलोड कर दूँगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और मुंबई के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।